फ्रेंड्स, आप सभी को वर्ष सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस पर से प्रार्थना है कि हमारी सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं कि वर्ष सावित्री की पूजा में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बरगद की पेड़ के नीचे जाकर इस पूजन को किया जाता है, तो इस पूजन का विधि क्या है। अगर हमारी कोई बहनें प्रेग्नेंट हैं तो उनको किस विधि से इस पूजन को करनी चाहिए, उनको फेरे लगाने चाहिए कि नहीं, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये तो आपको भी पता होगा कि वर्ष सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत होता है। महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए, मंगल कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। तो सबसे पहले इस व्रत में सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो 16 श्रृंगार करने के बाद ही इस पूजन को किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी वट वृक्ष का पेड़ है तो आपको वहीं पर जाकर इस पूजन को करना चाहिए। और अगर घर के आसपास नहीं है वट वृक्ष का पेड़, तो आप एक टहनी जो है एक दिन पहले ही घर पर मंगवा कर गमले में लगा ले और इस पूजन को आप घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वट वृक्ष को जल से सींचना होता है। उसके बाद, जैसे कि हम सर्वप्रथम किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें एक सुपारी का यहाँ पे गणेश जी की रूप देते हुए हम यहाँ पे गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद इसमें गौर माता की पूजा की जाती है। गौरी माता सुहाग की देवी होती हैं, तो इसलिए हमें पहले उनको सिंदूर लगा के और उसके बाद हमें अपने मांग में सिंदूर भरने होते हैं। उसके बाद ही इस पूजन को शुरू किया जाता है। और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके आंचल में खोइचा देते हैं, उसके बाद हम इस पूजन को करते हैं। तो इस पूजन को सर्वप्रथम जो है वो सावित्री जी ने सतवान जी के लिए किया था, उसके बाद से ही इस पूजा का जो है करने का विधान चलता आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, हम सावित्री और सतवान की जो कथा की किताब होती है वो यहाँ पूजा स्थान पर हम रखेंगे। और उसके बाद देखिए, हमें एक दीपक जलानी होती है। उसके बाद इसमें 5 प्रकार की हमें फल की आवश्यकता होती है। उसके बाद भीगे हुए चने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती है। उसके बाद कच्चा सूता से जो है वो हमें बरगद के पेड़ के फेरे लगाने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं वो फेरे नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो पति के लिए होता है, उनकी लंबी आयु के लिए होता है। और जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे गर्भ में क्या है, लड़का है लड़की है। तो जब हम फेरे लेते हैं तो ये फेरे जो है वो एक महिला अपने सुहाग के लिए लेती है, तो इसलिए इस फेरे को नहीं लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट बहने हैं तो वो इस फेरे को ना ले। बाकी जो भी पूजा का जो भी रीति रिवाज है, विधान है, वो सारे वो करेंगे, बस उनको फेरे नहीं लेने हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है वो आम से जल सींचा जाता है, आम लेकर। ये बिहार में जो भी हैं बिहार, उनको पता होगा कि आम से ही जल सींचा जाता है, बल्कि यूपी का थोड़ा सा रिवाज अलग है। इसके बाद आप प्रेम पूर्वक आरती कर ले। आरती करने के बाद आप फिर से गौरी माता को सिंदूर लगाकर उनसे सुहाग ले और उनसे प्रार्थना करें कि हे गौरी माता, हमारी सुहाग की रक्षा करना, हमारी सुहाग को अमर बनाए रखना। तो ये बहुत ही सरल विधि है वट सावित्री की पूजा करने का। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा जो है वो बहुत सारे नियम हैं इसके अलग अलग करने का, तो ये बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इससे पहले मैं इस व्रत की संपूर्ण विधि आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। थैंक